यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट चिकन कौरमा रेसिपी। बहुत ही लजीज किस्म की वाइट चिकन कौरमा रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये प्याज, अदरक और लहसुन जो है इसको छील के रख लिया था। अब हमने करना है इसको ग्राइंड करना है, तो इसको ग्राइंड करते हैं। ये ज़्यादा है, मैंने 3 किलो जो है वो चिकन बनाना है आज, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने प्याज, अदरक और लहसुन ले लेना है। इसको हाफ ऑफ करके मैं ग्राइंड कर लूँगी। घर में कोई दावत हो या घर वालों के लिए बनाना हो, आप ये रेसिपी लाजमी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने ये लहसुन अदरक जो है ये हाफ ऑफ करके ग्राइंड कर लेना है। अभी ये ग्राइंड हो रहा है, हाफ ऑफ करके इसलिए किया है क्योंकि ये ज़्यादा है, इसलिए हाफ ऑफ करके ग्राइंड कर लूँगी। चलें जी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है ये कुकिंग ऑयल और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने ग्राइंड किया था। उसके बाद आप लोगों ने एक पतीला लेना है, इस पतीले ऑयल शामिल कर लेना है। पतीले में ऑयल शामिल करने के बाद ये नमक है, इस नमक को जब आप ऑयल डालेंगे तो हसब ज़रूरत आपने थोड़ा सा बस नमक ऐड कर देना है, हाफ़ टेबल स्पून कर लें आप चाहे। उसके बाद जो जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने जो भी आपका चिकन होगा वो आपने इस पतीले में ऐड कर देना है। जब आपका ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए देन आपने ये चिकन ऐड करना है, ठंडे ऑयल में चिकन ऐड नहीं करना। गर्म होने के बाद आप लोगों ने चिकन इसमें ऐड कर देना है। देखिए मैंने सारा चिकन जो है वो इस पतीले में ऐड कर दूंगी। सारा चिकन ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखें चिकन जो है वो उसने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसको अभी थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। ऑयल में अच्छी तरह से ये भून जाएगा चिकन। जब चिकन फ्राई हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है। ये देखें ये सारा चिकन जो है वो किसी बर्तन में निकाल लेना है, ऑयल जो है वो इसके अंदर ही रहेगा, बस आप लोगों ने चिकन निकाल लेना है वो किसी बर्तन में। ये फ्राई हुआ चिकन है जो हम लोगों ने अलग से किसी बर्तन में निकाल लिया है, और ये चिकन का ही ऑयल है। इसी ऑयल के अंदर हम लोग जो हम लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इस ऑयल में शामिल कर दिया। इस पेस्ट को भी घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, अच्छी तरह से भून जाएगा, इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और जो ऑयल है वो ऊपर आ रहा है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये मसाले ऐड कर लेंगे। ये है मसालों में आप लोगों ने ये वाइट पेपर है, उसके बाद ये है गरम मसाला पाउडर, ये नमक है, उसके बाद ये ब्लैक पेपर है। ये सब चीज़ें जो है वो आपने हसबे ज़रूरत ले लेनी है। जैसे 3 किलो गोश्त में मैंने जितनी डालनी थी मैंने उतनी ऐड कर दी है। आपने जितना चिकन होगा उसके हिसाब से आप लोगों ने गरम मसाला जो है वो उसमें ऐड कर देना है। इसमें आप लोगों ने रेड चिली पाउडर ऐड नहीं करना, अगर आप ज़्यादा ही स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो वो आप रेड जो धरा मिर्ची होती हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसमें चिकन जो आप लोगों ने फ्राई करके रखा था वो इसमें शामिल कर देना है। वो चिकन शामिल करने के बाद ये मेरे पास है 2 क्रीम के पैकेट ले लेने हैं। अगर चिकन के हिसाब से अगर आपका चिकन कम है तो आप 1 क्रीम का पैकेट भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 2 क्रीम के पैकेट लिए हैं। आप या मैंने यहाँ पे हलीब क्रीम यूज़ किया है, आप कोई और भी क्रीम ले सकते हैं। साथ में दही है, ये
इस दही को क्रीम और दही को मिक्स कर लेना है अपनी अच्छी तरह से। ये दोनों पैकेट जो हैं वो दही में ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इस चिकन में शामिल कर लेना है। ये देखें, मैंने जो दो क्रीम के पैकेट थे और जो दही था वो इस चिकन में शामिल कर दिए। दही और क्रीम ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको ढक के रख देना है और तब तक पकने देना है जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। पानी ड्राई होने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ छः से सात हरी मिर्चें ली हैं जो इस चिकन में ऐड कर दी हैं हमने। ऐड करने के बाद ये देखें जी, हमारा वाइट चिकन कौरमा रेडी है।